आपने नौ शहरों की यात्रा की जो है नवरात्रि यात्रा कर रहे हैं और अभी तक आप जो है कि पांच शहर पांच दिन हो गया, छठे में आप दिल्ली आए हैं, तो कौन से शहर का आपको ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगा वो जानना चाहेंगे आप? शहर का, हर शहर का एक्सपीरियंस अलग था। एक शहर में, किसी शहर में लोकेशंस एंजॉय किए, किसी शहर में फूड एंजॉय किए, किसी शहर में ऑडियंस को एंजॉय किया, सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अगर अभी आई थिंक वी शुड ऑल स्टॉप चूजिंग समथिंग, इट्स ऑल एंड ऑफ द डे इट्स आवर कंट्री आवर सिनेमा, वी शुड एंजॉय एवरी प्लेस। सो मुझे तो बहुत ही मजा आया ये फिल्म दसरा के वजह से, ऐसा एक टूर लगाने को मिला और अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, ये सब प्लेसेस मैं इससे पहले कभी गया था नहीं, तो अभी जब भी सोचूंगा इस प्लेसेस के बारे में तो इट्स अ वेरी नाइस मेमोरी एसोसिएटेड विद दसरा, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। दशहरा जो है कि नवरात्रों के बाद ही आता है, जैसे कि अभी जो है ये भी नवरात्रों के बाद ही आ रहा है दशहरा, तो उस दशहरा इसमें जो है कि क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है थोड़ा वो आपसे जानना चाहिए। आपको दशहरा, ये फिल्म का नाम जो है दशहरा ऐसे सिंपली नहीं लगाया गया। अगर आप सबको मैं शो डाल के बिना टाइटल के ये फिल्म दिखाऊं और आपको पूछूं क्या टाइटल लगा है तो आप बोलेंगे दशहरा, क्योंकि उतना ये फिल्म शुरू होता है एक दशहरा से और एंड होता है एक दशहरा से, बिटवीन उसके बीच में बहुत सारे इयर्स व्हाट स्टोरी हैपेंस इज द फिल्म अबाउट। और आल्सो यू विल गेट, अभी जो वीरलपली का ट्रेडिशन है दशहरा का, ये रावण दहन तो हर प्लेस का ट्रेडिशन है, मगर मैं हैदराबाद से हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रेडिशंस नहीं पता थे उस प्लेस का, और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेडिशंस है। जब मैंने सुना कि यू नो ये काम करते हैं दशहरा के बिफोर उस पर्टिकुलर प्लेस में, बहुत ही एक्साइटिंग लगा, और मैंने सोचा जब आप थिएटर में देखेंगे आपको भी बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा वो सब प्रोसीजर। नो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट आई एम डेब्यूइंग हियर, सो एंड आई थिंक मोस्ट एक्साइटिंग थिंग विल ऑलवेज बी व्हेन यू डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड व्हेन यू आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग, एंड आई स्टिल हैव butterflies in my stomach. I just 2 days to go for Dasara, and I haven't felt this nervous when my first film released. So I think just that love for cinema is the most important thing for you to grow as an actor, for you to do better cinema, for you to be better human being. You can't take anything for granted. This is cinema, and things work out sometimes, things don't work out sometimes. Magar audience ko granted nahi, agar lenge to next film mein then वो दिखा देंगे reality. So I think my most important thing is बहुत बार industry के लोग audience you know बोलकर बात करते हैं, और हम पहले understand करना है कि हम ही audience है, audience ये separate group नहीं है, हम भी picture देते हैं, हम भी picture belong करते हैं, अगर हम honestly काम करें और हमारे अगर if I put my heart in and if I do something awesome for myself, then people, you know, audience, everyone will love it because we are also audience. We all are. The reason Masiest film, because I've said this before also, I really feel generally what happens with mass films is, जो mass film आपको visually मारने का मन करता है, you'll enjoy the, you know, slow motion shots, you'll enjoy the theatrical experience. वो सब इसमें है, मगर ये mass थोड़ा अलग है. क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट मास फिल्म विच विल टच योर हार्ट्स, विच विल बी हार्ट वार्मिंग. आई थिंक वी शुड पुट अ कैप्शन ऑन द पोस्टर सेइंग हार्ट वार्मिंग मास फिल्म. आई थिंक दैट्स अ कॉम्बिनेशन यू विल नेवर गेट टू सी. और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता चलेगा जब पिक्चर देखेंगे. इसमें जो मास मूवमेंट्स है, जहाँ आप विजल मारेंगे उस टाइम में आपके आंखों में भी थोड़ा ग्लिटर रहेगा, तो आई थिंक दैट इज द कॉम्बिनेशन विच वी जनरली मिस. And that's the reason I called it the massiest film. And regarding the moments during the shoot, they bahut hi mushkil shoot tha. Abhi main aise to nahi keh sakta ki ye picnic jaisi thi, ye shooting ho, ye sab, kyunki bahut hi mushkil shoot tha. Coal mines ke backdrop ka film hai, wo world create karna bahut mushkil tha, aur har din location pe pura wo black powder dust tha. तो टीम में बहुत सारे लोगों को ये हेल्थ इश्यूज थे, मुझे भी 2-3 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि वो चेस्ट में वो कंजेशन था. तो पर अभी जब फिल्म
फिनिश्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इट फील्स इट्स ऑल वर्थ इट. वी आर ऑल सो हैप्पी. योर लाइक ड्यूरिंग द शूट वी यूज टू स्ट्रगल बट इवनिंग आफ्टर द बैकअप व्हेन वी यूज टू सी द आउटपुट वी यूज टू बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी दैट दैट केप्ट अस गोइंग. सो के लिए काम करें तो वो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा. अगर हम अच्छे पिक्चर करने के लिए काम करेंगे तो बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली, अगर आप देखें तो जो भी लास्ट फ्यू ब्लॉकबस्टर्स है उनका जो फर्स्ट पार्ट स्लोली शुरू हुआ, देन आपका प्यार मिला तो सेकंड पार्ट 10 times हो गया. सो यहाँ पे जीतने का है प्यार पहले, बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी. एक विलेज कॉल्ड वीरलपल्ली जो है कि कोल माइंस में, ये एक्चुअली ये फिल्म का डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला वो गोदारकनी से है. गोदारकनी में है ये सिंगरेनी कोल्स कोल माइंस विच इज द बिगेस्ट इन एशिया. और उसके पापा उसी कोल माइंस में ऑलमोस्ट 40 years से डंपर का ड्राइवर का काम किए. तो उसे जितना वो वर्ल्ड के बारे में पता है किसी और को पता नहीं. और ये ऐसी स्टोरीज होते हैं जो हम एक रूम में बैठ के नहीं लिख सकते, किसी के लाइफ से आना है. तो श्रीकांत जिस तरह की डिटेल्स और जिस तरह की कैरेक्टराइजेशंस को प्लान किया है इस फिल्म में, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग रहेंगे. बहुत ही आप सरप्राइज होंगे, बहुत ही एक्साइटिंग लगेगी. और बेसिकली ये स्टोरी है ये प्यार दोस्ती और एक रेज एक गुस्सा की एक आर्क है इस स्टोरी में जो हम सब रिलेट कर सकते हैं. दोज आर बेसिक इमोशंस बट दोज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल ऑन दिस फिल्म. वेरी ड्रामेटिकली बट येट सटली एक्सप्लोर्ड ऑन दिस.